हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं रमेश सिंह बात करूंगा दिन के कुछ बेस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े तमाम स्टैटिक फैक्ट्स। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें भी काफ़ी डिटेल्स में यहां पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में एशियन गेम्स 2018 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या ग, रानी रामपाल। अब देखिए, ओपनिंग सेरेमनी के जो थे नीरज चोपड़ा, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी के नीरज चोपड़ा और क्लोजिंग के रानी रामपाल। अब रानी रामपाल कौन थे? तो इंडियन वोमेन हॉकी टीम की जो कैप्टन है रानी रामपाल, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये तीन फैक्ट्स ठीक है कि ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक जो थे, फ्लैग बियरर बोलते हैं इसको, नीरज चोपड़ा, और क्लोजिंग के रानी रामपाल। और रानी रामपाल जो है, ये रानी रामपाल जो है वोमेन हॉकी टीम के कैप्टन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू, एशियन गेम्स 2018 में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचते हुए कितने वर्षों के बाद 15 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क या ए, 67 वर्ष। तो देखिए, 1951 में जब नई दिल्ली में एशियन गेम्स हुआ था पहली बार, तब भारत ने इतना मेडल लिया था 67 ईयर्स बाद। अभी जाके भारत 2018 में एशियन गेम्स जो जकार्ता में हुआ और पोलम्बियांग में, दो शहर में इस बार पहली बार एशियन गेम्स हुआ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें भारत का टोटल 69 मेडल लिया, ठीक है, 69 मेडल टोटल लिया। देखिए, इस गेम्स में भारत ने टोटल 69 मेडल्स लिया, जिसमें 15 गोल्ड, 24 रजत मतलब सिल्वर मेडल, और 30 जो है ब्रॉन्ज या कांस मेडल, ठीक है। तो 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस, टोटल 69 मेडल। भारत का रैंक 8वां है, ठीक है, मेडल टैली में, पदक तालिका में भारत का रैंक 8th है, और पहला रैंक पे चीन है, ठीक है, जिसको 132 गोल्ड मिला, टोटल 289 मेडल है चीन के पास। तो सोच लीजिए, खेल को लेकर चीन कितना आगे है हम लोगों से। हमें हालांकि इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुआ है लेटेस्ट, मतलब लास्ट ईयर से, तो धीरे धीरे हमारा भी खेल नीति अच्छा बन चुका है और काम चल रहा है इस क्षेत्र में। तो देखते हैं दोस्तों, अब देखिए एशियन गेम्स के बारे में कुछ बात और मैं आपको बता दूँ कि इस बार दो शहर हुआ, जकार्ता और पोलम्बियांग, ठीक है। और शुभंकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, जैसे ओलंपिक हुआ था तो उसका शुभंकर क्या है, जो जैसे फीफा हुआ तो उसका शुभंकर क्या है, इसी तरह जैसे राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर भी पूछा गया था एक दो एग्जाम में, इसी तरह एशियन गेम्स 2018 का शुभंकर अगर पूछा जाए तो इसके 3 शुभंकर थे, ठीक है, भिन्न भिन्न, काका और अतुंग। हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दे, पूछ दे इनमें से कौन शुभंकर नहीं था, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार मैं शुभंकर फिर बोल देता हूँ, भिन्न भिन्न, काका और अतुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, देश के छात्र छात्राओं को ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने के लिए किसने एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीबीएसई ने। देखिए, सीबीएसई ने क्या, इस पोर्टल का क्या पूरा प्रोग्राम क्या है, तो जो भी सीबीएसई बोर्ड से छात्र जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें एक ऐप के थ्रू, देखिए पोर्टल भी रहेगा और ऐप भी रहेगा, तो उसके थ्रू क्या होगा कि जैसे कि आपका घर कहीं पे भी, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने आसपास के ऐतिहासिक धरोहरों को उस ऐप या पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, उससे जुड़ी जानकारियां सीख सकते हैं, और कुछ नया फैक्ट्स अगर पोर्टल पे नहीं अपलोडेड है तो आप उनको रिकमेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐतिहासिक या कल्चरल जो है जानकारी को बढ़ाने के लिए ये पूरा एक सीबीएसई का एक बेहतरीन प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका ने किस देश के लिए जारी की $30 करोड़ लगभग 2100 करोड़ रुपये की मदद को रद्द करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी या ख, पाकिस्तान। तो अमेरिका ने फिर से बोला है कि बिना बायस्ड तरीके से, ठीक है, मतलब बिना किसी को छोड़े हुए किसी पर कार्रवाई की, एक साथ एक समान रूप से सारे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करेगा, तभी इसको ये 2100 करोड़ रुपये या $30 करोड़ की मदद जारी करेंगे। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली ये मदद रोक दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ताहिरा सफदर ने हाल ही में किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पे शपथ लिया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, बलूचिस्तान। देखिए, बलूचिस्तान या सी, बलूचिस्तान। तो ये एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को लेके पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक जबरदस्त न्यूज़ है, और पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत काफ़ी मतलब डिस्टर्ब चल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में मिनरल्स पाकिस्तान वहाँ से लेता है और वहाँ पे कोई विकास का काम नहीं करता, ऊपर से बलूच लोगों पर पाकिस्तान काफ़ी अत्याचार करते रहा। तो एक्चुअली जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो बलूचिस्तान एक अलग प्रांत था, एक अलग रियासत था,
पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती जो है फोर्सफुल्ली बलूचिस्तान का एनेक्सेशन कर लिया, इसको अपने में मिला लिया। ठीक है दोस्तों, तो बलूचिस्तान की बनी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को काफ़ी दबा के रखा जाता है, तो ये एक तरह से रिसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बीती तिमाही में किस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सेकेंड हैंड स्मार्टफोन की तादाद में 40% की बढ़ोतरी हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी या खो ओएलएक्स। देखिए हम ओएलएक्स के बारे में कुछ बात जान लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओएलएक्स की स्थापना जो है 2006 में हुई थी, देखिए ओएलएक्स की स्थापना जो है 2006 में हुई थी। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड के एमस्टर्डम में है, ठीक है, नीदरलैंड के एमस्टर्डम में इसका हेडक्वार्टर है। और कंपनी जो है ओन्ड बाय किसके, इसकी कंपनी में 95% हिस्सेदारी है साउथ अफ्रीकन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का नास्पेर्स। ठीक है दोस्तों, देखिए NASPERS, ठीक है, आप ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है नास्पेर्स का। ठीक है, तो नास्पेर्स जो है साउथ अफ्रीकन एक मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप है, इसका 95% हिस्सेदारी ओएलएक्स में, ओएलएक्स का हेडक्वार्टर हो गया एमस्टर्डम, और ओएलएक्स के CEO हैं मार्टिन शिपबाउअर। ठीक है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ओएलएक्स में रिसेंट न्यूज़ में रहा, और कभी कभी पूछा जाता है कि कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है या स्थापना कब हुई, CEO कौन है, ठीक है, और इसका मतलब ऑनर कौन है, तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े तमाम स्टैटिक फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।